नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंदेशक न्यूज़ में। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है मानदेय से संबंधित अपडेट है। 15 जून के मानदेय यानी जो 16 जून से 30 जून के बीच 15 दिन बनते हैं उनका मानदेय भुगतान से संबंधित ये खबर है। इस खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है हिमांशु वर्मा जी के द्वारा, और उन्होंने बताया है कि लगातार उनकी वे शिक्षा मंत्री से पैरवी चल रही थी, वो पैरवी कर रहे थे मानदेय को लेकर कि हमारा मानदेय भेज दिया जाए, निदेशकों का 15 दिन का मानदेय भुगतान किया जाए। तो उन्होंने एक खुशखबरी दी है, समस्त अनुदेशकों के लिए शासन से मानदेय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि इस बीच शिक्षा मित्रों का भी मानदेय ग्रांट जारी हो चुकी है साथियों, और उनको प्रेषित भी किया जा चुका है। समस्त जनपदों के लिए 15 दिन का जो मानदेय बनता है शिक्षा मित्रों का, वो भी प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन अनुदेशकों का भी कोई खबर नहीं थी, लेकिन आज ये खबर आ गई है। खुशखबरी है आप सभी के लिए, राहत भरी खबर कह सकते हैं। जून माह में पहली बार मानदेय मिल रहा है जून माह, क्योंकि पहली बार हम जून माह में पढ़ाने गए हैं, 16 जून से 30 जून के बीच उसका मानदेय भुगतान किया जा रहा है। भले ही ये मानदेय हमारा विंटर का काट कर दिया जा रहा है, लेकिन भुगतान जून माह का कर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने बताया कि शासन से इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आज संभवतः जून माह के 15 दिन की जो मानदेय लिमिट विभाग से जारी हो जाएगी, अतः अनुदेशक मानदेय जून माह का 15 दिन का बजट एक या दो दिन में सभी जिलों में प्रेषित कर दिया जाएगा। हम सभी अनुदेशक साथी आपके इस पावन कदम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे भविष्य के बारे में दिन प्रतिदिन अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा करेंगे। साथियों, यहाँ पर एक और खबर है, विक्रम सिंह की मुलाकात वरुण गांधी जी से हुई है और उन्होंने अनुदेशकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, आश्वासन दिया है कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, और कुछ ही दिनों बाद वो अपने पोस्ट के माध्यम से अनुदेशकों के हक की बात रखेंगे। एक और खबर यहाँ पर आ रही है, शिक्षा मित्रों के माध्यम से ग्रेट प्रशिक्षित अध्यापक शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये पोस्ट की गई है। ये ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, 5 मिनट्स उत्तर प्रदेश जारी। केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय, सभी संविदा शिक्षा मित्र को 12 महीने का मेहनताना मिलेगा। ये उन्होंने पोस्ट कर बताया, एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है साथियों। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, ये बहुत बड़ी राहत मिलेगी समस्त संविदा शिक्षक, जिसमें अनुदेशक शिक्षा मित्र समस्त आते हैं। तो साथियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये पोस्ट सत्य साबित हो और पैब की मीटिंग में ऐसा ही निर्णय लिया गया हो केंद्र के द्वारा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं कि हमें 12 मानदेय का मानदेय दिया जाए। साथियों, अनुदेशकों के लिए तीसरी बड़ी खबर है, ट्रांसफ़र यानी ज़िले में ट्रांसफ़र शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी विक्रम सिंह ने स्पेशल कवरेज न्यूज़ के माध्यम से दी है। विक्रम सिंह जी ने बताया था कि हमारी बात महानिदेशक विशेष शिक्षा जी से हुई थी, उन्होंने वार्ता रखी कि आदरणीय हमारे ट्रांसफ़र कब तक होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपके ट्रांसफ़र का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जल्दी शासनादेश जारी हो जाएगा और ज़िले में अनुदेशकों के ट्रांसफ़र शुरू कर दिए जाएंगे। एक बड़ी राहत भरी खबर है अनुदेशकों के लिए। तो साथियों, ये तीन बड़ी खबरें मानदेय को लेकर, उसके बाद 12 माह का मानदेय और ट्रांसफ़र, ये थी आज की कुछ खास खबरें। जल्द लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। अनुदेशक न्यूज़ पर जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको हमारी खबरें सही लगती हैं, सत्य लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर खबर को पहुँचा सकें। आपके हित में, जनहित में, शिक्षक हित में, अनुदेशक हित में, सदैव तत्पर अनुदेशक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।